200 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने, 200 करोड़ रुपए। यही वो हैरान करने वाला पहाड़ सा आंकड़ा है जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से अब तक इनकम टैक्स के हाथ लगा है। धीरज साहू से जुड़ी दो कंपनियों पर पिछले 4 दिनों से इनकम टैक्स छापे मार रही है। कैश इतना मिला है कि नोट गिनने वाली मशीनें खराब हो गई हैं। बीजेपी का दावा है कि अभी कैश के इस जखीरे की गिनती 300 करोड़ को पार कर जाएगी। मामला चूंकि एक राजनीतिक किरदार से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक दहाड़ की गूंज तेज होती जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रश्न उठाया तो आज अमित शाह ने नाम उछाल दिया। प्रश्न यह है कि आखिर इतना पैसा क्या सिर्फ व्यापारिक कमाई है या फिर इसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं? क्या धीरज साहू एक मोहरा है या काली कमाई के पीछे कतार बड़े नामों तक है? तो आज हल्ला बोल में हम चर्चा इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा विशेष पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। एक टेबल पर एक साथ इतने नोट शायद ही किसी ने देखे होंगे, बंडल ही बंडल, करोड़ों की रकम। वाकई गजब की तस्वीर है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स ने दबिश दी, वैसे कैश लोक का पर्दाफाश हुआ, जहां अलमारियों में, बैग में नोटों की अनगिनत गड्डियों से सामना हुआ। जानकारी के मुताबिक अब तक 220 करोड़ की गिनती हो चुकी। दावा है कि आंकड़ा 300 करोड़ के पार जाने वाला है। 3 राज्यों के 5 ठिकानों पर पिछले 4 दिनों से इनकम टैक्स एक्शन में। झारखंड के रांची और लोहरदगा से लेकर ओडिशा के संभलपुर और बोलहंगीर होते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक धीरज साहू की कमाई का हिसाब किताब हो रहा है। बुधवार से छापा भी जारी है और नोटों की गिनती भी। चूंकि मामला कांग्रेस के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ये 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। ये महागठबंधन एक तो ये बता दे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों है, 300 करोड़ रुपए पाए गए, जुबान बंद क्यों है? न सिर्फ बीजेपी के शीर्ष नेता हमलावर है, बल्कि शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू, कानपुर, अमृतसर, लखनऊ और जयपुर में कांग्रेस और धीरज साहू के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला दहन किया गया। बीजेपी की कोशिश यही है कि कांग्रेस सांसद के कैश कांड का काला चिट्ठा अच्छी तरह से खोली जाए। झारखंड के गोड्डा से मुखर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विरोध का मशाल लेकर सबसे आगे चल रहे हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है, फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। सूत्रों की माने तो 5 शहरों से धीरज साहू के कैश लोक में गिनती 220 करोड़ को पार कर चुकी है और गिनती कहां खत्म होगी अभी ये कोई नहीं जानता। लेकिन झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपनी पार्टी सांसद का बचाव करते हुए एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं, जरा इन्हें भी सुनिए। खबर आने के लिए 1000 करोड़ की भी आ सकती है। जब प्रधानमंत्री जी 200 करोड़ पे खबर दे रहे हैं, धीरज साहू जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए क्या किया आपने? आपने कभी ट्वीट नहीं किया।
हालांकि करोड़ों के नोटों की बरामद की पहले भी खबरों में सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन अब की बार मामला एक राजनीतिक किरदार से जुड़ा है, लिहाजा सियासत में जबरदस्त भूचाल। पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट से धावा बोला, अब गृह मंत्री ने साक्षात्कार किया, मतलब साफ है कि करोड़ों के कैश कांड को लेकर अभी कुछ बवाल, कुछ सवाल और उठेंगे। रांची से सत्यजीत कुमार और भुवनेश्वर से अजय नाथ के साथ आज तक ब्यूरो।